कहानी एक प्राचीन काल के धनी और शक्तिशाली राजा पर सैटायर हास्य है। प्रतिबंधपुरम के राजा एक हैं जो भविष्य वक्ताओं को गलत सिद्ध करने के लिए 99 बाघ अंधाधुंध मारते हैं, किंतु 100वां बाघ उनके मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य साबित होती है। इसको कल्कि ने लिखा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो हम लोग क्लास 12th के सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। द टाइगर किंग रिटन बाय कल्कि। द महाराजा अप्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो प्रतिबंधपुरम के राजा इस कहानी के नायक हैं, हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याघ्र संहारी, महाराजाधिराज, विश्वभुवन सम्राट, श्री जिलानी, सर जिलानी, जंग बहादुर जंग, MAD, ACTC और CRCK। तो इनके ढेर सारे नाम हैं। उन्हें स्वनाम धन्य जमींदार, जनरल, किलेदार मेजर, सतव्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग, जंग बहादुर, MAD, ACTC या CRC के नाम से जाना जा सकता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। पर इस नाम को अक्सर टाइगर किंग के रूप में संक्षेप में बोला जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। मैं आपके सामने यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि उसे टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंड टू एडवांस, ओनली टू एंड इन अ ट्रेजिक विथड्रॉल। कहा, मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि इस कहानी का अंत योजनाबद्ध तरीके से करूँगा। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंड बहाना करना, इंटेंशन इरादा करना। तो टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेजिक विथड्रॉल, कि मैं इस कहानी का अंत योजनाबद्ध तरीके से करूँगा। इवन द थ्रीट ऑफ स्टुका, स्टुका कोई श्रोता ऑडियंस। कहा कि यहाँ तक कि श्रोता का जो थ्रीट धमकी है, स्टुका बॉम्बर, जो बम बरसक हो, बम बरसाने वाला श्रोता हो, विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। तो कोई भी श्रोता बम वर्षक भी मुझे मार्ग से विचलित नहीं कर सकेगा, अर्थात मैं अपने कहानी से विचलित नहीं होऊंगा। द स्टुका जो श्रोता है, इफ़ इट लाइक्स, तो अगर स्टुका चाहे, कैन बीट अ हास्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो मेरी कहानी से शीघ्रता से रिट्रीट कर सकता है। आप जानते हैं एडवांस का रिट्रीट एंटानिम होता है। एडवांस मीन्स आगे बढ़ना, रिट्रीट मीन्स पीछे हटना। तो अगर श्रोता चाहे,
द स्टुका इफ इट लाइक्स, अगर श्रोता चाहे तो कैन बीट अ हास्टी शीघ्रता से रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, मेरी कहानी से शीघ्रता से पीछे हट सकता है अर्थात जा सकता है। राइट एट द स्टार्ट, सबसे पहले इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। तो सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना जरूरी है। इट इज़ इम्परेटिव डिस्क्लोज मीन्स ओपन करना, बताना अ मैटर, एक मामले को, ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, जो ज़्यादा जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, अबाउट द टाइगर किंग। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, हर कोई व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, अनुभव करेगा द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन, उसकी स्वाभाविक इच्छा होगी कि वो ऐसे आदमी से मिले ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, डोमिटेबल जिसको दबाया जा सके, इनडोमिटेबल अदम्य साहस। तो हर कोई व्यक्ति जो इस कहानी को पढ़ता है विल एक्सपीरियंस, वो अनुभव करेगा द नेचुरल डिजायर की उसकी वो स्वाभाविक इच्छा होगी टू मीट अ मैन, कि वो ऐसे आदमी से मिले ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज, जो अदम्य साहस रखता है, ऐसे व्यक्ति से मिले फेस टू फेस, आमने सामने मिले, तो उसके बारे में पढ़ने वाला हर व्यक्ति उस जैसे अदम्य साहसिक व्यक्ति से आमने सामने मिलने की इच्छा करेगा। बट देयर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, पर उसकी इच्छा के पूर्ण होने की कोई संभावना नहीं है। अब संभावना क्यों नहीं है, आगे बताएंगे किस प्रकार संभावना नहीं है। एज भरत सेड टू राम, जैसा कि भरत ने राम से कहा, किसके बारे में, अबाउट दशरथ के बारे में, जैसे भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था, द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच चुका है, अर्थात मृत्यु हो गई है उसकी। फाइनल अबोड मीन्स अंतिम निवास स्थान, और हर किसी का अंतिम निवास स्थान मृत्यु है। तो वही कहा कि द किंग, जो राजा है, टाइगर किंग हैज रीच्ड, पहुंच चुका है, दैट फाइनल अबोड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जो सभी जीवित प्राणियों का अंतिम निवास है, वह वहां पहुंच चुका है, अर्थात मृत्यु उसकी हो चुकी है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, जो टाइगर किंग है वह मर चुका है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट, उसके मृत्यु का जो ढंग है, तरीका है, वह एक अति असाधारण रुचिकर है, बहुत ही रोचक है, असाधारण रूप से रोचक है। इट कैन बी रिवील्ड शोड, दिखाया जा सकता है, दर्शाया जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, केवल कहानी के अंत में ही उसे बताया जा सकता है उसकी मृत्यु कैसे हुई। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस डेथ, उसकी मृत्यु का सबसे रोचक पहलू यह था कि, फैंटास्टिक मीन्स रोचक, एस्पेक्ट मीन्स पहलू, उसकी मृत्यु का सबसे अधिक रोचक पहलू यह था कि एज ही वॉज बॉर्न, ज्यों ही उसका जन्म हुआ, टाइगर किंग का जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर्स हैड फॉरटोल्ड, भविष्यवक्ताओं ने, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया, फॉरटोल्ड मीन्स भविष्यवाणी किया, दैट कि वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को वास्तव में मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वैरियर ऑफ वैरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, कहा कि ये टाइगर किंग
बड़ा होगा और बड़ा होकर योद्धाओं में योद्धा, वैरियर ऑफ वैरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों में नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, वीरों में वीर बनेगा। बट पर परंतु, और आप जानते हैं बट परंतु लेकिन आ जाए तो कुछ मामला गड़बड़ होता है, डॉट 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 है। दे बिट देयर लिप्स एंड स्वालोड हार्ड, पर कहके उन्होंने अपने होठ काटे, स्वालोड निगल गए, अपनी बात को निगल गए, नहीं बोले, बड़ी मुश्किल से होठ काटे और उन्हें अपनी बात पर विश्वास करना कठिन लगता था। स्वालोड हार्ड व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू, और जब उन्हें अपनी बात को जारी रखने के लिए मजबूर किया गया, कंपेल्ड किया गया, फोर्स किया गया, दबाव डाला गया, तो द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो ज्योतिषियों ने कहा, यह शब्द कहा, क्या कहा, दिस इज अ सीक्रेट, कहा कि यह रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, जिसको बिल्कुल भी बताना नहीं चाहिए, रिवील्ड शुड दिखाना, बताना, दर्शाना नहीं चाहिए, एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और फिर भी हमें कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, स्टार मीन्स नक्षत्र, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बच्चे को विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, उसी क्षण एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, मिरेकल मैजिक टुक प्लेस, घटित हुआ उसी क्षण, मोमेंट मिस क्षण या पल, समय की एक इकाई है, तो उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज एमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टेन डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला। एन एस्टोनिशिंग आश्चर्यचकित कर देने वाले फ्रेज वाक्यांश एमर्ज्ड ओपेंड निकला, केम आउट फ्रॉम द लिप्स होठों से ऑफ 10 डे ओल्ड जिलानी जंग जंग बहादुर। तो 10 दिन के जिलानी जंग जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश निकला, क्या बोले, ओ वाइज प्रोफेट्स, बोले अरे बुद्धिमान पैगंबरों, प्रोफेट्स मीन्स पैगंबर, ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन सुपर फैक्शन, हर व्यक्ति जब ये बोले कि अरे बुद्धिमान पैगंबरों, तो हर कोई व्यक्ति आश्चर्य में डूबा अवाक खड़ा था, एवरीवन स्टूड, हर कोई खड़ा था, ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफैक्शन, स्टुपेफैक्शन, अवाक खड़ा था। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वे एक दूसरे की तरफ घबराए से देखते रहे, पलके झपका रहे थे, ब्लिंक मिस पलके झपकाना। ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान पैगंबरों, इट वाज आई हू स्पोक,
यह बोलने वाला मैं हूँ। इट वॉज आई हु स्पोक, यह बोलने वाला मैं हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, इस बार शक की कोई गुंजाइश न थी। अब पहली बार बोला तो लोग सोच सकते थे पता नहीं कहाँ से आवाज़ आई, कन्फ्यूजन हो सकता था। अब दोबारा से आवाज़ आई तो दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब शक की कोई गुंजाइश न थी, कन्फर्म हो गया कि यही बालक बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days अगो, ये तो नवजात शिशु था, 10 दिन पूर्व जन्म लेने वाला शिशु था ही था। हु हैड एनुंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जिसने इतनी स्पष्टता से शब्द बोले थे। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जो प्रमुख ज्योतिषी थे, मुख्य ज्योतिषी ने अपना स्पेक्टिकल्स चश्मा टुक ऑफ उतारा, एंड गेज्ड स्टेयर्ड, एक टक देखा, ध्यान से देखा, इंटेंटली एट द बेबी, बेबी की तरफ ध्यान से देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, उस बच्चे ने कहा 10 दिन हुए उसको जन्म लिए टाइगर किंग को, और बोला कि ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, उन सब को जिन्होंने जन्म लिया है मरना होगा, एक न एक दिन मरना होगा। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, हमें आपके भविष्यवाणी को जानने की जरूरत नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस, कहा इसमें समझदारी की बात होगी, काम की बात होगी, इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यदि आप हमें उस मृत्यु का तरीका बता सके तो कोई काम की बात होगी, मतलब की बात होगी। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, रॉयल मीन्स शाही, इन्फेंट मीन्स शिशु, तो शाही शिशु ने अपनी पक्षी जैसी आवाज में अटर्ड कहा दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, अपनी पक्षी जैसी तीखी छोटी आवाज में यह शब्द शाही शिशु ने कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर, प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से उंगली हटाई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर, प्रमुख ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर मिस ज्योतिषी, प्लेस्ड रख दिया हिज फिंगर, अपनी उंगली को, ऑन हिज नोज, अपनी नाक पर रख दिया। इन वंडर, आश्चर्य में, तो प्रमुख ज्योतिषी हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर अपनी नाक पर अपनी उंगली रख ली। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड opens its lips in speech, मात्र 10 दिन का शिशु अपने होठ खोलकर बोलता है। Not only that, केवल यही नहीं, it also raises intelligent questions, यह समझदारी भरे प्रश्न भी पूछता है। Incredible, कहा अविश्वसनीय, अद्भुत, अविश्वसनीय, rather like the bulletins issued by the war office than facts, यह सत्य नहीं बल्कि युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसा लगता था उसकी आवाज, मानो बीबीसी लंदन से बोल रहा हूँ, आवाज आ रही हूँ।
द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, प्रमुख ज्योतिषी ने अपनी नाक से अपनी उंगली उठाई, हटाई, नाक पर जो उंगली रखे थे उसको हटा लिया। टुक ऑफ मीन्स हटाना, उतारना, हिज फिंगर अपनी फिंगर को, उंगली को हटा लिया, हिज नोज अपनी नाक से, एंड फिक्स्ड हिज आईज अपॉन द लिटिल प्रिंस, और नन्हे राजकुमार पर, छोटे राजकुमार पर अपनी दृष्टि टिका दी। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, और बोले राजकुमार का जन्म बुल राशि में, बैल की राशि में, वृषभ राशि में हुआ था। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, बैल और बाघ शत्रु हैं, एनिमीज हैं, शत्रु हैं। देयरफॉर इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु बाघ से आएगी। ही एक्सप्लेन्ड, उसने समझाया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ केक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आप सोच रहे होंगे कि सिंहासन का उत्तराधिकारी क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू अ केक, शायद कांप गए हों, डर गए हों। व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उन्होंने टाइगर बाघ शब्द सुना, दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई। एज सून एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, जो ही उन्होंने सुना तो उन्होंने बोला, कहा, प्रोनाउंस्ड कहा। द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोल, तो राजकुमार ये गहरी आवाज में गुर्राया। डीप मीन्स गहरी, ग्रोल मीन्स गुर्राना। टेरिफाइंग वर्ड्स एमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, एमर्ज्ड मीन्स निकले, लिप्स मीन्स होठ, टेरिफाइंग हॉरिफाइंग भयभीत कर देने वाले, तो भयानक उसके होठों से भयानक शब्द निकले और कहा, लेट टाइगर्स बीवेयर, बाघों से कह दो सावधान हो जाएं। बीवेयर सावधान होना। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, यह वर्णन मात्र एक ऐसी अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है। बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, पर बाद की घटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह किसी सत्य पर आधारित थी। इट वॉज बेस्ड, आधारित थी, बेस्ड आधारित थी ऑन सम ट्रूथ, किसी सत्य पर। एक बार पुनः इसको देखेंगे। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइप इन प्रतिबंधपुरम, यह वर्णन मात्र एक अफवाह है जो प्रतिबंधपुरम में फैली है। बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड, पर बाद की घटनाओं को देखकर हम कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि यह किसी सत्य पर आधारित थी। उम्मीद करता हूँ कि हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।